हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू भारद्वाज इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज हम मार्केटिंग एंड सेल्स में यूनिट वन का मार्केटिंग मिक्स पढ़ रहे हैं। इसमें हम आज पढ़ेंगे जो मार्केटिंग मिक्स के फोर एलिमेंट्स आपने पढ़े थे, जिसमें क्या क्या थे। एक तो प्रोडक्ट था, दूसरा प्राइस था, तीसरा प्लेस था और फोर्थ जो था वो प्रमोशन था। चार एलिमेंट्स पड़े थे, इनमें से दो एलिमेंट्स को आज हम समझेंगे। इनके डिटेल में समझना है चारों के चारों, तो आज इसमें से दो एलिमेंट्स को हम समझेंगे। तो इससे सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि इसका क्लासिफिकेशन किसने किया था, ये फोर एलिमेंट्स के नाम किसने दिए थे। तो ये जो क्लासिफिकेशन किया था, ये एक फेमस मार्केटर थे, ई जेरोम मैकार्थी। नाम याद रख लें क्योंकि वन मार्क्स में पूछा जा सकता है। ई जेरोम मैकार्थी, और 1960 में इन्होंने ये क्लासिफिकेशन किया था मार्केटिंग मिक्स का, जिसमें फोर एलिमेंट्स रखे थे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। अब इसे डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए, पहला है प्रोडक्ट, जिसे प्रोडक्ट या सर्विस कह सकते हैं। तो प्रोडक्ट और सर्विस एक जगह नाम क्यों आया, क्योंकि प्रोडक्ट सर्विस भी प्रोडक्ट ही है। कैसे? प्रोडक्ट का मतलब है कोई प्रोड्यूसर जिसे प्रोड्यूस करता है। सपोज एक मार्कर बनाने वाला मार्कर बनाता है, तो ये क्या है, एक उसका प्रोडक्ट है, उसे सेल करता है और मनी अर्न करता है, पैसे प्राप्त करता है। इससे अलग मान लो सर्विस की बात करते हैं, तो कोई डॉक्टर है, लॉयर है, टीचर है, जो भी है, वो भी अपनी सर्विसेज सेल करता है। वो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो डॉक्टर जब पेशेंट को देखता है तो उसके बदले में पैसे लेता है। तो इसलिए वहाँ इनके इक्वल रखा गया प्रोडक्ट और सर्विस को। तो हम प्रोडक्ट के बारे में आज पढ़ते हैं। तो प्रोडक्ट क्या है? द प्रोडक्ट इज आइदर अ टेंजिबल गुड और एन इनटेंजिबल सर्विस। तो प्रोडक्ट क्या है? एक या तो एक टैंजिबल गुड है, जिसे टैंजिबल का मतलब होता है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो चीज़ टैंजिबल होती है। इनटैंजिबल का मतलब जिसे छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं केवल। तो क्या है प्रोडक्ट? क्या है? आइदर टैंजिबल गुड, या तो वो टैंजिबल गुड हो सकती है, होती है, या वो इनटैंजिबल सर्विस हो सकती है, या उसे छुआ नहीं जा सकता, केवल सेवाएं हो सकती हैं जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता। लेकिन उनकी एक विशेषता होती है, वो विशेषता क्या होती है कि वो दोनों, चाहे वो इंटेंजिबल हो चाहे वो टेंजिबल हो, वो दोनों क्या है, वो उस कस्टमर की जो उसे खरीदता है, उस सर्विस या प्रोडक्ट को खरीदता है, उसकी उस आवश्यकता की पूर्ति करती हुई नजर आती हैं। दैट इट सीम्स टू मीट द स्पेसिफिक कस्टमर्स नीड और डिमांड। उस कस्टमर की नीड या डिमांड को पूरा करता हुआ प्रतीत होती हैं, सीम्स प्रतीत होती हैं। कहने का मतलब है वो वस्तु उस कस्टमर की जो उसे खरीद रहा है उसे पूरा करता हुआ प्रतीत होनी चाहिए, तब वो प्रोडक्ट कहलाएगी। दूसरा पॉइंट, ये बात समझ में आ गई फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ऑल प्रोडक्ट फॉलो अ लॉजिकल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट है वो लॉजिकल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को फॉलो करता है। प्रोडक्ट क्या है? लॉजिकल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का मतलब है कि प्रोडक्ट किस तरह का है, उसकी लाइफ साइकिल क्या है। कहने का मतलब है प्रोडक्ट कितना चलेगा, उसका साइज क्या है और उसके फीचर्स क्या हैं, वो सब उसकी प्रोडक्ट लॉजिकल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है। सपोज एग्जाम्पल दे देते हैं एक कि एक मोबाइल है, अगर वो 2 फुट बड़ा मोबाइल हो तो उसे कोई खरीदेगा नहीं, तो उसकी लाइफ साइकिल क्या है, वो 5 या 6 इंच बड़ा होता है, जो कि एक स्टैंडर्ड साइज है जिसे कि सभी लोग ले लेते हैं। तो इस तरह से अगर एक मार्कर है, ये मार्कर अगर 2 फुट बड़ा हो या बहुत छोटा हो, जो इससे हाथ में ही ना आए, तो उसको उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो वो एक प्रॉपर साइज होता है। तो इसलिए इसे क्या कहा जाए, और ये मार्कर सपोज 20 दिन लिखने का काम करता है, तो अगर ये एक ही दिन लिखे तो कोई खरीदेगा नहीं खरीदेगा, तो ये प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं होगी। तो इसलिए कहा जाता है कि ये लॉजिकल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को फॉलो करता हो, प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो लॉजिकल प्रोडक्ट लाइफ को फॉलो करता हो, एंड
इट इज वाइटल फॉर मार्केटर्स टू अंडरस्टैंड एंड प्लान फॉर द वेरियस स्टेजेस एंड देयर यूनिक चैलेंजेस। और जो मार्केटर्स का जो क्या होता है कि जब वो लॉजिकल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर रहा है, फॉलो कर रहा है, तो वो क्या होगा मार्केटर्स के लिए ये समझने में सहायक होगा, यानी कि ये समझने के लिए मार्केटर को अच्छा होगा कि वो उनसे अपने यूनिक चैलेंजेस, जो सेलिंग के यूनिक चैलेंजेस हैं, उसे आसानी से फेस कर सकता है। जो वेरियस स्टेजेज होती हैं सेलिंग की, उनको आसानी से फेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केटर को पता होना चाहिए इसकी लाइफ क्या है, ये कितने दिन चलेगा, इसकी प्राइस क्या है, वैल्यू क्या है, तो वो उसे आराम से उसे पूरा कर सकता है। अगर उसकी प्रोडक्ट में कोई ये लॉजिकल प्रोडक्ट लाइफ होगी नहीं, तो वो एक आइडेंटिकल होगा ही नहीं, तो उसे सेल करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम मार्केटर्स को आती आ सकती है या आएगी। तीसरा पॉइंट है द बेनिफिट्स ऑफर्ड बाय द प्रोडक्ट एंड ऑल इट्स फीचर्स नीड टू बी अंडरस्टूड एंड द यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट नीड टू बी स्टडीड। अब ये तो प्रोडक्ट के बारे में दो पॉइंट थे, अब ये दो पॉइंट आप पढ़ते हैं किसके बारे में, मार्केटर्स के बारे में, प्रोडक्ट्स से रिलेटेड। वो क्या है द बेनिफिट ऑफर्ड बाय द प्रोडक्ट एंड ऑल द फीचर्स नीड टू बी अंडरस्टूड, यानी कि एक मार्केटर के द्वारा जो मार्केटिंग कर रहा है किसी चीज की, उसको अपने प्रोडक्ट के सारे फीचर्स और उसके बेनिफिट्स पता होने चाहिए जो कस्टमर को बताने हैं, वो उसे पता होने चाहिए अंडरस्टूड। एंड यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, यानी कि उसको यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन का मतलब है उसका उद्देश्य, प्रपोज करना उद्देश्य, उसका जो सेलिंग का उद्देश्य है, यूनिक का मतलब यूनिक उद्देश्य, जो एक मेन उद्देश्य है उसका, वो भी उसे पता होना चाहिए। प्रोडक्ट नीड टू बी स्टडीड, उसके बारे में स्टडी करना बहुत आवश्यक है एक मार्केटर को। तो कहने का मतलब है कि एक जो सही मार्केटर को अपने प्रोडक्ट के फीचर्स, उसके बेनिफिट्स और उसके सेलिंग का जो पर्पज, उद्देश्य, वो तीनों चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी होता है। और फोर्थ है इन एडिशन द पोटेंशियल बायर्स ऑफ द प्रोडक्ट नीड टू बी आइडेंटिफाइड एंड अंडरस्टूड। अब फोर्थ पॉइंट है इन एडिशन का मतलब है इसके अलावा द पोटेंशियल बायर किसे कहते हैं, पोटेंशियल बायर का मतलब होता है जो खरीदार बनने वाला है, संभावित, पोटेंशियल का मतलब होता है संभावित बायर्स, खरीदार बनने वाला है। सपोज हमने किसी से बात करी, कोई हमारा प्रोडक्ट है, उसकी बात करी कि ये भाई ये बहुत अच्छा है, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये खरीद सकता है, तो वो पोटेंशियल बायर है। तो क्या है इसके अलावा द पोटेंशियल बायर ऑफ द प्रोडक्ट, जो उस प्रोडक्ट का पोटेंशियल बायर है, जो आगे बायर बनने वाला, खरीदने वाला बनने वाला है, खरीदार बनने वाला है, नीड टू बी आइडेंटिफाइड एंड अंडरस्टूड, उसको भी आइडेंटिफाई करना और उसको समझना भी एक मार्केटर के लिए जरूरी होता है, उसे समझना चाहिए। ये तो हो गया प्रोडक्ट के बारे में, आपने दो पॉइंट्स के प्रोडक्ट की क्वालिटी के बाद पढ़े और दो उसके जो मार्केटर है उसको उसके बारे में क्या ज्ञान रखना चाहिए, ये समझ में आ गया। दूसरा है प्राइस, दूसरा एलिमेंट है प्राइस। प्राइस क्या है, पहले प्राइस में फर्स्ट है प्राइस कवर्स द एक्चुअल अमाउंट इन द एंड यूजर इज एक्सपेक्टेड टू पे फॉर द प्रोडक्ट। पहली बात, प्राइस किसे कहते हैं, प्राइस वो होती है जो एंड यूजर पे करता है। अब समझ लीजिए कि एक कोई प्रोडक्ट है, वो पहले एक फैक्ट्री में बनता है, ठीक है, प्रोड्यूसर उसे बनाता है, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाने के बाद फिर वो रिटेलर के पास जाता है, रिटेलर के पास जाके फिर लास्ट में वो कस्टमर के पास आता है। तो कस्टमर एंड यूजर कौन है, कस्टमर है जो उसे उसके लिए पेमेंट करता है। तो जो कस्टमर उसके पेमेंट दे रहा है वो उसकी प्राइस होती है। क्या है, प्राइस कवर्स द एक्चुअल अमाउंट, प्राइस उस अमाउंट को कहा जाता है, उस वास्तविक अमाउंट को कहा जाता है, द एंड यूजर इज एक्सपेक्टेड, जिसे एक एंड यूजर देने की आशा रखता है, यानी कि देता है,
टू पे फॉर अ प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट के लिए देता है, यानी उस प्रोडक्ट की लास्ट में जो पेमेंट एक एंड यूजर करता है वो उसकी प्राइस होती है। दूसरी बात, दिस इज लिंक्ड टू व्हाट द परसीव्ड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इज टू द कस्टमर रादर देन एन ऑब्जेक्टिव कॉस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड ऑफर। आप देखिए इसे ध्यान से समझिए, तो प्राइस क्या है, वो परसीव्ड वैल्यू का मतलब होता है जो प्रचलित वैल्यू की कीमत, जो मार्केट में कीमत चल रही है। तो क्या है, दिस इज लिंक्ड, वो किससे लिंक रहता है, प्राइस किससे लिंक रहती है, प्राइस लिंक रहती है उसकी प्रचलित कीमत से, जो मार्केट में कीमत चल रही है वस्तु की उससे लिंक होती है, उससे मतलब रखता है प्राइस का, ना कि जो उसने ऑफर करी है। प्रोड्यूसर चाह रहा है, सपोज आप एग्जांपल एक किसी, चलो मार्कर का ही ले लेते हैं, फिर से हमारे हाथ में मार्कर है, तो ये मार्कर मैं एक प्रोड्यूसर हूं और मैं चाहूं कि ये 50 रुपए का बिक जाए मार्केट में, नहीं बिकेगा, लेकिन इसकी परसीव्ड वैल्यू क्या है, सपोज 20 रुपीज का ये नॉर्मली मिल जाता है, तो इसकी परसीव्ड वैल्यू जो है वो 20, जो प्रचलित कीमत है वो 20 रुपए है। तो प्राइस का लिंक किससे होता है, उसकी परसीव्ड वैल्यू से होता है, उसकी जो मार्केट में प्रचलित कीमत है, जो मार्केट में जिस कीमत पर वो सेल हो रहा है उससे लिंक रहता है उसका, ना कि उसका जो वो प्रपोज करता है एक प्रोड्यूसर, उससे नहीं रहता उसका। तो कहने में फिर समझ लीजिए, इन दिस इज लिंक टू व्हाट द परसीव्ड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इज टू बी कस्टमर, कस्टमर के लिए क्या उसकी परसीव्ड वैल्यू है, क्या मार्केट में चल रहा है उससे लिंक रहता है, रादर देन बल्कि एन ऑब्जेक्टिव कॉस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड ऑफर। जो ऑब्जेक्टिव कॉस्टिंग का मतलब है कि हमें लगा कि भाई इतना मिल जाना चाहिए इसका, ये हमारा इतना बेनिफिट होगा, इतना प्रॉफिट होगा, इतना मिल जाना, उससे उसका कोई मतलब नहीं रहता वस्तु का, चाहे उसका प्रोड्यूसर को कुछ मिल रहा हो या ना मिल रहा हो, उसका महंगा बढ़े या सस्ता बढ़े, लेकिन जो मार्केट में जो कीमत चल रही है उतनी ही उसकी कीमत मिलेगी। तीसरी चीज, इफ अ प्रोडक्ट इज प्राइज्ड हायर और लोअर देन इट्स परसीव्ड वैल्यू देन इट विल नॉट सेल। अगर कोई भी प्रोडक्ट परसीव्ड वैल्यू से, परसीव्ड वैल्यू का मतलब प्रचलित दर, प्रचलित कीमत से, जो प्रचलित कीमत जो मार्केट में चल रही है, एग्जिस्टिंग कॉस्ट जो है उसकी जो चल रही है, उससे बहुत ज़्यादा कीमत रखी जाती है या लोअर बहुत कम रखी जाती है, तो दोनों स्थिति में जो प्रोडक्ट है वो सेल नहीं होगा। भाई एक एग्जाम्पल ले लीजिए, सपोज आप जानते हैं एक मोबाइल है सैमसंग का M30, उसकी कीमत मार्केट में 15,000 है, अगर उसे कोई 20,000 रुपये में सेल कर रहा हो तो भी नहीं बिकेगा वो, आप ले आओगे नहीं लाओगे बिल्कुल भी। और अगर वो मोबाइल कोई एक सेम वही चीज़ सैमसंग का ही है, M30 है, ब्रांड वही है, सब कुछ वही है, लेकिन वो 5,000 रुपये में दे रहा है, तो भी आप नहीं खरीदोगे। क्यों नहीं खरीदोगे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये रहेगा कि ये चीज़ खराब हो सकती है, नहीं तो 15,000 की चीज़ 5 में कैसे मिल जाएगी, ये तो हमारे 5,000 भी बेकार चले जाएंगे, ये दिमाग में आते ही आप बिल्कुल नहीं खरीदेंगे उसे। तो इसलिए जो मार्केट में चल रही है कीमत उसी पर चीज़ें बिकती हैं, बहुत ज़्यादा कीमत रखने पर और बहुत कम रखने पर चीज़ें नहीं सेल होती। तो यही चीज़ इसमें बताई गई है कि इफ द प्रोडक्ट इज प्राइज्ड हायर और लोअर देन इट्स परसीव्ड वैल्यू, उसकी परसीव्ड वैल्यू से कम या ज़्यादा रखी जाए, देन इट विल नॉट सेल, ये सेल नहीं होगा। दिस इज वाई, ऐसा इसलिए इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ अ कस्टमर सी व्हाट यू आर सेलिंग, इसलिए ऐसा कि कस्टमर ये देखता है कि आप बेच क्या रहे हैं, सेल क्या कर रहे हैं, ये कस्टमर ध्यान देता है। तो इसलिए ये समझने की ज़रूरत है कि जो कस्टमर है वो ये समझता है कि आप सेल क्या कर रहे हैं। अब फोर्थ पॉइंट है, इफ देयर इज पॉजिटिव कस्टमर वैल्यू देन अ प्रोडक्ट मे बी सक्सेसफुली प्राइज्ड हायर देन इट्स ऑब्जेक्टिव मनी वैल्यू। देखिए अगर जो प्रोडक्ट है वो उसकी पॉजिटिव कस्टमर वैल्यू है, कोई भी प्रोडक्ट है उसकी पॉजिटिव कस्टमर वैल्यू, पॉजिटिव कस्टमर वैल्यू का मतलब है वो कस्टमर के दिमाग में चढ़ा हुआ है,
मार्केट में चढ़ा हुआ है, नाम है उसका, तो वो पॉजिटिव कस्टमर वैल्यू होती है, तो वो कीमत से ज़्यादा पर भी बिक जाता है। उसकी जो कीमत, सपोज कोई कोई आइटम है वो मार्केट में उसका बहुत ज़्यादा नाम है, ठीक है। सपोज आप किसी चीज़ का एग्जांपल ले लीजिए, सपोज एक कार का एग्जांपल ले लीजिए, एक ऑडी है, ऑडी की वैल्यू है, ऑडी को अच्छे उससे देखा जाता है, तो उसकी अगर 20 30 50 हज़ार 1 लाख रुपए की कीमत ज़्यादा भी होगी तो भी वो सेल हो जाएगी, क्योंकि वो कस्टमर पॉजिटिव कस्टमर वैल्यू है उसकी, ठीक है, तो वो ज़्यादा में भी सेल हो जाएगी। लेकिन उसकी जगह पर सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसकी पॉजिटिव वैल्यू नहीं है, नेगेटिव वैल्यू है मार्केट में, जिसकी पॉजिटिव वैल्यू नहीं है, सपोज कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कोई दूसरी कार है जो आजकल नहीं चल रही है, आउटडेटेड हो रही है, उसको अगर आप ज़्यादा कीमत में करेंगे तो बिल्कुल नहीं बिकेगी, उसकी कीमत इसलिए कम रखनी पड़ेगी इसे सेल करने के लिए। तो वही चीज़ है, इफ़ देयर इज पॉजिटिव कस्टमर वैल्यू देन द प्रोडक्ट मे बी सक्सेसफुली प्राइस्ड हायर देन इट्स ऑब्जेक्टिव मनी वैल्यू। जो उसकी ऑब्जेक्टिव मनी वैल्यू है, मान लो इतनी मनी वैल्यू आनी चाहिए थी हमारे पास, तो उससे ज़्यादा मनी वैल्यू पर भी वो सेल हो जाएगा अगर उसके कस्टमर उसको पॉजिटिव वैल्यू रखता है, उसकी उसके बारे में सकारात्मक सोच रखता है, उसे लेना चाहता है कस्टमर को। और कन्वर्सली इसके विपरीत, इफ़ द प्रोडक्ट हैज लिटिल वैल्यू इन द आई ऑफ द कस्टमर, कस्टमर की आंखों में, इन द आईज ऑफ द कस्टमर, कस्टमर की आंखों में उसकी वैल्यू कम है, लिटिल है, किसकी, इसके विपरीत, किसके पॉजिटिव वैल्यू के विपरीत, अगर मार्केट में किसी वस्तु की कीमत कम है, कस्टमर उसे ये देखता है कि ये तो बेकार चीज़ है, अच्छी चीज़ नहीं है, तो वैल्यू कम है, तो देन इट मे नीड टू बी अंडर प्राइज्ड टू सेल, उसे सेल करने के लिए उसकी कीमत जो उसकी वास्तविक लागत है उससे भी कम भी रखनी पड़ सकती है, जिससे कि वो सेल हो जाए, या अपना प्रॉफिट है वो बहुत मार्जिन पर लाना पड़ सकता है, बहुत कम लाना पड़ सकता है, तब जाकर के वो सेल होगी। तो आज आप ये समझ गए होंगे, अब ये दोनों चीज़, प्रोडक्ट क्या होता है और प्राइस क्या होती है, दोनों चीज़ जहाँ तक मैं समझता हूँ आपकी समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आए तो आप बार बार, आप दो दो तीन बार आप वीडियो को समझ सकते हैं, उसे सुन सकते हैं। कोई चीज़ क्या होता है, कभी कभी एक बार में समझ नहीं आते, दूसरी बार सुन लीजिए, उसके बाद फिर सुन लीजिए, तो इस तरह से ये सब आपकी समझ में आ जाएगा। इसके नोट्स तैयार करते रहें साथ साथ, और वीडियो को देखते रहें, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।